मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सरकार या चुनाव होने के बाद जीतने के बाद कोई असर नहीं पड़ता है इन पर, छात्रों का हो फिर चाहे किसानों का हो, वो चाहे सुसाइड कर रहा हो कोई किसान या फिर कोई छात्र भी सुसाइड कर रहा हो, तो सरकारों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता है। आपने देखा है कुछ समय पहले आप लोगों ने, हम सभी ने मिलकर कम से कम आपके 35-36 लाख के करीब ट्वीट किए हुए थे, तब इन पर कोई फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप कहिए कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ा हो इन पर। फिर आप एमपी में देखिए लाठी चली बच्चों पर, उसमें भी आपने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऊटपटांग वाले जवाब भी बड़े, वो जवाब देते हैं शायद एक नेता से, शायद पढ़े लिखे नेता से कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ, यहाँ आपको दिखाई देगा कि कितना पीएम मोदी को कितना ट्वीट किया गया है उनके बर्थडे को मनाने को लेकर, 5,057,000, 357,000, माफ करिएगा, 357,000 ट्वीट किए गए हैं। और यहाँ देखिए आप लोग, 545,000 ट्वीट किए गए, कितने, 545,000 ट्वीट किए गए राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को लेकर। जमीन आसमान का फर्क है आप लोग, फिर भी इन लोगों पर मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। आपने देखा होगा कोई फर्क पड़ा हो तो। यहाँ देखिए आजकल बच्चे भी बड़े मतलब अच्छे कमेंट वो करते रहते हैं, कोई बोला है कि वो बेरोजगार वो हैं जिनके, जिन्होंने एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं, तो कोई बोल रहा है कि वो अभी तो बेरोजगारी ऐसी है कि शादी भी नहीं हुई है, एक बेरोजगारी के कारण शादी ही नहीं हो रही है। देखिए बेरोजगारी की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब बड़े अच्छे अच्छे तरह से। यहां से देखिए अभी ये आज तक का न्यूज चैनलों की तो अलग बात है, उनका तो अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, उनका छोड़िए, लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए क्या करवाया, सर्वे करवाया बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर वोट पड़ी है कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पर कोई बात नहीं दूर दूर तक। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि 2019 के बाद अब 24 में चुनाव होना है, उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार गिरेगी नहीं, तो ये लोग भी सोच के बैठे हुए हैं कि क्या करना है, कुछ भी होता रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला है बताइए, अगर डर होता है ना तो शायद मुझे लगता है कि वैकेंसी वैकेंसी निकालते। और एक बात और आप याद रखिए कि क्या याद रखना है आप लोगों को, कि बिहार का चुनाव पूरा ऐसा होता है कि बिहार के चुनाव में एक जातिवाद का मुद्दा रहता है, इसलिए कुछ खास वहाँ फर्क भी नहीं पड़ता है इनका, गरीबी का फिर चाहे शिक्षा का स्वास्थ्य का, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है, देखा है आप लोगों ने कि बिहार में भुखमरी देख लीजिए, फिर चाहे गरीबी देख लीजिए, अशिक्षा का मामला देख लीजिए, गरीबी का मामला देख लीजिए, लेकिन उस वो मुद्दे कभी बीच में रखकर, यानी कि उसके प्रति वोट बैंक नहीं होती है, इस जाति के प्रति उस जाति के प्रति इस तरह की वहां भी राजनीति होती है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, खैर सोचिए आप लोग, मतलब कि कई गुना दुगने दुगना मतलब ट्वीट किए जा रहे हैं बेरोजगारी दिवस को लेकर, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि किस रूप में छात्र निराश हैं, क्या स्थिति है अभी, और सबसे बुरी स्थिति और आप लोगों की और गरीब की जन गरीब, मुझे लगता है किसान जवान और गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है इन नेताओं के सामने, क्योंकि अभी आपने देखा है कि राज्यसभा में ले लीजिए फिर चाहे लोकसभा सत्र में, वहां बोल दिया गया कि कोरोना जो मजदूर मरे हुए हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, समझ रहे हैं, इस लॉकडाउन के कारण उनका आंकड़ा नहीं है, आप सोचिए आंकड़ा नहीं है, मतलब बेझिझक बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया हुआ तुमने, और ये आंकड़े इकट्ठा करना मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल का काम है। राज्य सरकारें आप कहिए जिला पर बोल देती हैं, और जिला क्या करते, अपने स्थानीय निकायों से बोल देते, आराम से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते थे, लेकिन हकीकत यह है कि ये आंकड़े सामने आने नहीं चाहिए, इसलिए एक तरह से इस तरह का लीपापोती की जा रही है। इतना है कि वही भगवान से ऊपर वाले से दुआ करिए कि देश की रक्षा करे, समझ रहे हैं? ऐसे चाइना के मुद्दे को लेकर देखिए आप लोग, साफ बोल देते हैं कि वो हमारी सीमा में किसी ने एंट्री नहीं की हुई है, तो आप सोचिए हमारे मतलब हमारी विश्व स्तर पर हमारी छवि क्या बनती है कि हम लोग उनके सीमा में गए हुए थे इसलिए हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं।
और अभी कोई भी आप चैनल खोल के देख लीजिए, कोई भी एबीपी न्यूज कोई भी, उसमें आप देखिए कहीं भी ये मुद्दा आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए कोई भी मुद्दा कहीं भी आपको दिखाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। क्योंकि इन्हें मतलब अपने टीआरपी से, उनकी गलती नहीं है और गलती हमारी, हम सब लोगों की भी है, क्योंकि हम जो टीआरपी देखना पसंद करेंगे वही वो लोग दिखाएंगे। अभी आपने देखा है कुछ दिन तक सुशांत का केस चलता रहा, अब वो जैसा ही ठंडा पड़ा तो आप लोगों के लिए एक विकास और पैदा कर दिया है। क्या कर दिया है? आप लोगों के लिए एक विकास और पैदा कर दिया है कंगना रनौत का। देखिए कहीं आपको दिखा हो कि कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि बेरोजगारों का दिवस में मनाया जा रहा है या बेरोजगारों की स्थिति कहीं भी आपको देखा है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इस तरह से आपके लिए मुद्दे खत्म है कर देते हैं। अगर आप YouTube पर देखें तो एक एकाध कोई अगर पक्ष ले ले तो, क्योंकि अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में कन्ना के घर पर आपने देखा है जीसीबी चली, तो दुनिया ने देखा है उसे और मीडिया ने किस तरह से कवर किया हुआ है, और आपने देखा है छात्रों पर जो लाठी चली थी उसका कवर किसी ने नहीं किया हुआ है। मतलब ये वो न्यूज़पेपर है जो मतलब खासे चर्चा में रहते हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं। देखिए अब यहाँ कहीं आपको दिखा रिया, फिर वही, फिर कंगना, देखिए मतलब कहीं भी आपको उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, मतलब आप सोचिए कि मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए। इस तरह से हम, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से आप लोग सोचें कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। हम कभी इस तरह से महाशक्ति कभी नहीं बन सकते, हकीकत ये है। समझ रहे हैं हम लोग राफेल खरीद रहे हैं, ये खरीदते ही रह जाएंगे हमेशा। शिक्षा पर जब तक कोई जोर ना दिया जाए, शिक्षा पर कोई और स्वास्थ्य ना मुद्दे हों चुनाव के, देखिए तभी मुझे लगता है कि हम लोग पावरफुल बन सकते हैं। जब मेन मुद्दा चुनाव, वोट बैंक का, जो भी वोट पड़े वो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, विकास के नाम पर वोट पड़े। अभी अर्थव्यवस्था आपने देखा है गिरी है, हकीकत ये कि लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक प्रभाव पड़ा है। देखिए लेकिन याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी आपने देखा है कि लॉकडाउन के कारण तो गिरी ही है, लेकिन पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी। लेकिन हाँ, जितना वो उसमें कमी रह गई थी वो पूरी किसने कर दी है? कोरोना वायरस ने पूरी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अब इसका आप भगवान पर डाल दें। अब भगवान तो देखिए सॉल्यूशन कर नहीं देंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की शब्द शोभा नहीं देते हैं। फिर आप लोग समझदार हैं, चलिए भगवान से दुआ करिए और लगे रहिए, जो भी एग्जाम आपके सामने है उन्हीं की तैयारी करते रहिए आप लोग। ठीक है,